शुरुआत करेंगे सुपर 50 की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी सदस्य आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये प्रधानमंत्री के सरकारी आवास लोक कल्याण मार्ग पर शाम 5:30 बजे मुलाकात होगी। इससे पहले बुधवार को ट्रस्ट की बैठक हुई, जिसमें महंत नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट का अध्यक्ष और चंपत राय को महासचिव बनाया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के मॉडल पर ही राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। नृत्य गोपाल दास ने दावा किया है कि मोदी योगी राज में ही राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और इस दिशा में जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण को लेकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का कहना है कि राम का मंदिर 1-2 महीने में बनना शुरू हो जाएगा। राम मंदिर के लिए शिलाएं रखी हुई हैं, जिनसे मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक में महंत नृत्य गोपाल दास ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए, तो वहीं बीएसपी नेता चंपत राय को महासचिव बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नियुक्त किया गया, तो वहीं ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी बनाए गए। बैठक में 9 प्रस्ताव पारित किए गए। अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष चुने जाने से अयोध्या के संतों की खुशी की लहर है। महंत नृत्य गोपाल दास के आवास मणिराम दास छावनी में मिठाइयां बांटी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंत नृत्य गोपाल दास विहिप के उपाध्यक्ष चंपत राय और गोविंद देव गिरिजी महाराज को राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल करने पर बधाई दी। ट्वीट कर उन सबको बधाई दी गई। आपको बता दें कि महंत नृत्य गोपाल दास को राम जन्मभूमि ट्रस्ट का अध्यक्ष, चंपत राय को महामंत्री और गोविंद देव गिरिजी को ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। बुधवार को लखनऊ रविंद्रालय में अपनी पार्टी के राज्य सम्मेलन में भाग लेने आए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अयोध्या के राम मंदिर और मस्जिद पर टिप्पणी की। शरद पवार ने कहा कि सरकार को अयोध्या में मस्जिद के लिए धन उपलब्ध करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांट रही है। अगर सरकार मंदिर के लिए ट्रस्ट बना सकती है तो एक अन्य ट्रस्ट बनाकर मस्जिद के लिए भी धन क्यों नहीं दे सकती। मस्जिद के ट्रस्ट को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने शरद पवार को जवाब दिया है। नृत्य गोपाल दास ने कहा है कि हिंदुओं का काम मस्जिद बनाना नहीं है, मुस्लिम अपना ट्रस्ट बनाए, मस्जिद बनाए, हम सहयोग करें। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के मामले में रासुका के तहत मुकदमा झेल रहे डॉक्टर कपिल अहमद की रिहाई की मांग और सीएम योगी के बयान से नाराज जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य दिल्ली के यूपी भवन के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी छात्र पोस्टर बैनर लेकर उत्तर प्रदेश के भवन बाहर पहुंचे, जिसको देखते हुए दिल्ली में यूपी भवन की सुरक्षा बढ़ाई गई। इस दौरान पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में भी ले लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रवाद के मसले पर बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि राष्ट्रवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब नाजी या हिटलर से निकाला जा सकता है। ऐसे में राष्ट्र या राष्ट्र जैसे शब्दों का ही प्रमुखता से इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने इस वक्त आईएसएस, कट्टरपंथ और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे बड़ी चुनौती हैं। झारखंड की राजधानी रांची में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस का विस्तार देश के लिए है, क्योंकि हमारा लक्ष्य भारत को विश्व गुरु बनाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीए प्रदर्शनकारियों को लेकर दिए गए बयान पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने पलटवार किया। मलिक ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जनरल डायर की तरह बर्ताव कर रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सीएम योगी ने कहा था कि जो मरना चाहता है उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिकायत की है कि व्यापार के मामले में भारत उनके देश के साथ कोई बहुत अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है। उन्होंने ये संकेत दिया है कि नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले भारत के साथ किसी बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते की संभावना कम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ताजमहल का दीदार करने आगरा आने वाले हैं। ट्रंप के आगमन को लेकर ताजमहल की सफाई का काम चल रहा है। ट्रंप के स्वागत में ताजमहल की सफाई तो जरूर की जा रही है, लेकिन जान को सफाई कर्मियों को जान जोखिम में डालकर ताजमहल के मुख्य गुंबद पर करीब 50 फुट की ऊंचाई पर ताजमहल की सफाई की जा रही है, लेकिन कर्मचारी बिना किसी सुरक्षा के सफाई कार्य में लगे हुए हैं। इस लापरवाही का वीडियो किसी पर्यटक ने बना लिया और उसके बाद वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
निर्भया गैंगरेप मामले में दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए नया डेथ वारंट जारी हो चुका है। कोर्ट ने फांसी के लिए 3 मार्च का दिन तय किया है। हालांकि मामले में निर्भया के दोषी फांसी से बचने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने पर उतर आए हैं। अब दोषी विनय ने खुद को घायल कर लिया। तिहाड़ जेल के अधिकारी के मुताबिक विनय कुमार ने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। विनय कुमार ने खुद का सिर दीवार पर दे मारा, जिससे उसे कुछ हल्की फुल्की चोटें भी आईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय के गोरखपुर दौरे पर हैं। सीएम योगी ने ग्राम बसिया सहजनवा में नवनिर्मित सुविधाओं का लोकार्पण किया है। सीएसआर फंड से गांव में सड़क के अलावा वहां के सरकारी विद्यालय के भवन को रिनोवेट करवाया गया है। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने यूपी सरकार के कामों की उपलब्धियों के बारे में बताया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 2,51,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई, तो वहीं 40 लाख युवाओं को अलग से रोजगार दिया जा रहा है। वाराणसी में 3 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 20 फरवरी से 22 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव को राजघाट पर आयोजित किया जा रहा है। शिवरात्रि के पहले शिव की नगरी बनारस में भक्तों का रेला उमड़ने लगा है। मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है, तो शहर में सफाई अभियान भी तेज कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने भी इस बार खास तैयारी की है। हर दिन कलाकारों की तरफ से शिव तांडव समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। अलीगढ़ बीजेपी के कद्दावर नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजू भैया ने माना है कि बिना पैसों के पुलिस कोई काम नहीं करती है। पुलिस कई फर्जी केस बनाकर लोगों को जेल भेज देती है, इसी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। साथ ही अतरौली के गांव में लोगों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी की। पुलिस प्रशासन अधिकारियों के साथ एटा सांसद राजवीर सिंह राजभैया पंचायत में भाग लेने पहुंचे थे, इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया। महाशिवरात्रि के मौके पर मध्य प्रदेश के भक्त यूपी में श्री राम रामपुर के गंगा तट पर कांवर में गंगा जल भरने पहुंचे। ये परंपरा कई साल पुरानी है। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों में कांवर चढ़ाने को लेकर गजब की श्रद्धा भी है। कांवरियों में महिलाएं भी शामिल, तो वहीं भिंड मध्य प्रदेश से आए भक्त ने एक विशाल कांवर बनाई, जिसमें 2 की जगह 256 पलड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक में गंगा जली बनाई गई है जो पूरी होती है। शिवरात्रि के मौके पर कई जिलों से शिव भक्त बाराबंकी महाभारत कालीन प्राचीन शिव मंदिर महादेवा पहुंच रहे हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। शिव भक्त कंधों पर कांवड़ रखकर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर महादेव मंदिर पहुंचे। ये मंदिर लोधेश्वर महादेव के नाम से भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इस शिव मंदिर में जो भी शिव भक्त जलाभिषेक करता है वो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। खासकर शिवरात्रि के दिन यहाँ शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है। खटीमा के चक्रपुर पौराणिक वनखंडी महादेव मंदिर परिसर में हर साल शिवरात्रि के अवसर पर लगने वाले विशाल शिवरात्रि मेले की भी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। उत्तराखंड में लगने वाले शिवरात्रि मेले में सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाले इस मेले में यूपी के कई जिलों से आने वाले दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों को सजा लिया है। शिवरात्रि के दिन मेले का शुभारंभ हो जाएगा, जो कि अगले 10 दिनों तक जारी रहेगा। इस मेले में उत्तराखंड के अलावा यूपी और नेपाल से भी श्रद्धालु वनखंडी महादेव मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। कॉरपोरेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस की पहली यात्रा आज से शुरू होगी। ट्रेन वाराणसी से उज्जैन और इंदौर जाएगी। शिवरात्रि के मौके पर शुरू हुई ये ट्रेन 3 ज्योतिर्लिंगों इंदौर में ओंकारेश्वर, उज्जैन में श्री महाकालेश्वर और वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम को आपस में जोड़ेगी। देहरादून में सचिवालय संघ में 2 पार्ड के हालात बन चुके हैं। प्रमोशन में आरक्षण के मसले का असर सचिवालय संघ पर भी दिखाई दे रहा है। अब SC/ST वर्ग के कर्मचारी सचिवालय में अपना नया संघ बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं सचिवालय प्रशासन ने उनके संगठन को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी नए संघ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। 20 कर्मचारी को सचिवालय संघ से निष्कासित भी कर दिया गया है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार के 3 साल पूरा होने के चलते की जा रही समीक्षा पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। जागेश्वर विधानसभा से विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने सीएम रावत पर विपक्ष के विधायकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। जागेश्वर विधायक ने कहा कि अगर सीएम समीक्षा कर रहे हैं तो उनको विपक्ष के विधायकों के विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की भी समीक्षा करनी चाहिए, तो वहां भी प्रदेश की जनता रहती है। सिर्फ अपने विधायकों को बुलाकर उनकी समीक्षा करना ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। सीएम को प्रदेश के हित के बारे में पूछना चाहिए।
विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है तो ऐसे में सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल गैरसैंण जाकर वहां की तैयारियों का जायजा लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा है कि जल्द ही अपना कार्यक्रम बनाकर सत्र की तैयारियों का जायजा लेंगे। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि गैरसैंण में हर सत्र में तैयारियां अच्छी होती है, लेकिन जिनको गैरसैंण सत्र से परेशानी होती है वो लोग छोटी छोटी बात का मुद्दा बनाते हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन की तर्ज पर सीमांत क्षेत्र टनकपुर से बरेली तक रेलवे विभाग ने यात्रियों के लिए डेमो ट्रेन शुरुआत कर दी है। इसी ट्रेन में खड़े होकर जहां यात्री बस की तरह इसके सफर का आनंद ले पाएंगे, ये ट्रेन दोनों तरफ से संचालित की जा सकेगी। तो आपको बता दें कि चंपावत जिले के टनकपुर से पीलीभीत और बरेली तक का सफर कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस डेमो ट्रेन के शुरू होने से 11 मार्च में शुरू होने वाले पूर्णागिरी मेला यात्रियों को भी इस ट्रेन में पूर्णागिरी दर्शन के लिए टनकपुर पहुंचने में आसानी होगी। आगरा में चल रहे ताज महोत्सव के दूसरे दिन मुक्ता काश्य मंच पर कृष्ण लीलाओं और निजामी ब्रदर्स की कव्वाली ने दर्शकों का मन मोह लिया। 18 से 27 मार्च तक होने वाले 29वें ताज महोत्सव की थीम इस बार संस्कृति के रंग ताज के संग रखी गई है। तो महोत्सव की थीम के मुताबिक ही यहां शिल्प ग्राम के मुक्ता काश्य मंच पर अलग अलग रंग दिखाई दिए। महोत्सव के दूसरे दिन एक तरफ जहां कृष्ण और राधा के प्रेम को जीवंत किया गया, तो वहीं महोत्सव के दूसरे दिन शाम का आगाज निजामी ब्रदर्स की कव्वाली के साथ हुआ, जिस पर दर्शक देर रात तक झूमते नजर आए। सोनभद्र के उंभा गांव में नरसंहार के मामले में एसआईटी ने जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। जांच में डीएम पुलिस कर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई तो सहकारिता विभाग के 4 कर्मियों के अलावा तत्कालीन तहसीलदार 2 SDM को भी दोषी पाया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर गोरखपुर में प्रशासन सतर्क है, तो वहीं परीक्षा दे रहे बच्चों ने बताया है कि सरकार छात्रों के लिए अच्छी पहल कर रही है। दरअसल जिले में 197 परीक्षा केंद्रों में से 19 संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। इन केंद्रों पर नजर रखने के लिए 25 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है। उत्तराखंड में करोड़ों रुपए की कथित सिडकुल घोटाले को लेकर भले ही एसआईटी की जांच जारी हो, लेकिन निर्माण कार्यों पर भविष्य में आरोपों से बचने के लिए सिडकुल ने थर्ड पार्टी जांच कराने का फैसला लिया। इसके तहत सिडकुल निर्माण कार्यों की जांच के लिए आईआईटी रुड़की से संपर्क कर चुका है। दरअसल सन 2019 की शुरुआत में त्रिवेंद्र सरकार ने सिडकुल में कथित घोटाले को लेकर एसआईटी जांच करवाने का फैसला लिया था, जिसके बाद सिडकुल के काम ठप पड़ गए। फिलहाल उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम की तरफ से करवाए गए कामों की एसआईटी जांच जारी है, लेकिन जांच एजेंसी में मंजूरी लेने के बाद निर्माण कार्यों को शुरू करवा दिया गया है। कन्नौज के एक सरकारी स्कूल में छात्रों के स्वेटर 2 महीने में ही फट गए। सर्दियों के मौसम में स्कूल के बच्चों को स्वेटर बांटे गए थे, जो सर्दियों में पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही फट गए। फिलहाल छात्र स्कूल में फटे स्वेटर पहनकर आने को मजबूर हैं। मामला सामने आने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं, तो ये मामला मॉडल प्राथमिक विद्यालय महसौनापुर का है। लखनऊ में पीएसओ की बेटी की मौत का मामला सामने आया, जहां पीएसओ वेद प्रकाश की पुलिस ने हिरासत में लिया है। परिवार ने गोली मारकर खुदकुशी की बात कही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट लगने के निशान मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के पिता को हिरासत में लिया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में देहरादून नगर निगम का अच्छे प्रदर्शन करने के बाद नगर निगम नई पहल की शुरुआत करने जा रहा है। निगम प्रशासन 1 मार्च से सफाई अभियान शुरू करेगा, जिसमें हर वार्ड में गंदगी को साफ किया जाएगा। इस अभियान में 250 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को जोड़ा जाएगा, जिसमें नगर निगम की कोशिश रहेगी कि शहर के हर वार्ड को पूरी तरह गंदगी से मुक्त किया जाए। उत्तराखंड में बच्चों के सिरप की बिक्री पर रोक लगाई गई है। पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों की रिपोर्ट के बाद ये रोक लगा दी गई है। दरअसल बीते वक्त कोल्ड बेस्ट पीसी सिरप पीने से बच्चों की मौत हो रही थी, जिसके बाद ड्रग कंट्रोलर ताजवर सिंह ने सिरप के रोक के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी कन्नौज की छिबरामऊ नगर पालिका में सड़क किनारे खुलेआम कूड़े को जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां के आसपास के लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो वहीं साथ ही छिबरामऊ मार्ग से महाशिवरात्रि के लिए बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर निकल रहे शिव भक्तों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी और कूड़ा जलाने की वजह से जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है।
झांसी के टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र में बारूद का गोला फटने से छात्र घायल होने का मामला सामने आया। बारूद का गोला प्राइमरी स्कूल बड़वार में बारातियों छोड़ गए थे, जिसे छुड़ाने में कक्षा 2 का छात्र झुलस गया। गांव के प्राइमरी स्कूल में बारात ठहराई गई थी। बारातियों ने रात में जमकर आतिशबाजी की, उसी दौरान स्कूल कैंपस के अंदर एक पेड़ के नीचे बारूद का गोला छूट गया था। कानपुर में 5 साल की मासूम छात्र के साथ अश्लीलता के मामले में विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अश्लील हरकत करने वाले वैन चालक को 20 साल कैद और 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जज विजय राजेश सिसोदिया ने 15 दिन के अंदर ही यह फैसला सुना दिया। छात्रा को सुबह उसकी मां स्कूल छोड़ने जाती थी, जबकि छुट्टी के वक्त मोहम्मद कासिम वैन से उसे घर छोड़ता था। वैन में उसके साथ गंदी हरकतें भी करता था। मेरठ थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के उज्जवल गार्डन कॉलोनी में शादी समारोह के दौरान पर्स गायब होने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। विवाद इतना पड़ गया कि दोनों पक्षों में घर जाकर भी मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। रामनगर के हल्द्वानी मार्ग पर स्कूल बस और यात्री बस की आमने सामने टक्कर हो गई। यात्री बस रामनगर से हल्द्वानी जा रही थी, जिसमें करीब 40 लोग सवार थे। इस हादसे में महिला कांस्टेबल समेत कई लोग घायल हो गए। घायल यात्रियों को एम्बुलेंस की मदद से संयुक्त चिकित्सालय भेजा गया। चश्मदीद लोगों का कहना है कि स्कूल बस ड्राइवर की गलती से यह हादसा हुआ है। गनीमत रही कि स्कूल बस में बच्चे नहीं बैठे। मैनपुरी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में बस में सवार 29 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, तो दिल्ली से नेपाल बॉर्डर जा रही बस में 44 यात्री सवार थे। गुना में मजदूर की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। सारे शाम वारदात से इलाके में सनसनी का माहौल है। गोंडा में बाइक सवार बदमाशों ने मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक मजदूर लखीमपुर खीरी के रहने वाला था। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सहारनपुर में जिले में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी की हत्या का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि प्रेमिका के परिजनों ने उनके बेटे की हत्या कर दी है। पीड़ित परिवार ने थाने में मामला दर्ज कराया है। मृतक युवक का शव उसकी प्रेमिका के गांव के पास मिला था, जिसके बाद परिजनों ने प्रेमिका और उसके पिता पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। फरुखाबाद कलेक्टर परिसर में शिकायत लेकर आई महिला को शिकायत करना इतना भारी पड़ा कि महिला को पागल करार दे दिया गया। इतने ही नहीं, अधिकारियों की तरफ से महिला को एम्बुलेंस में भरकर लोहिया अस्पताल भेजने के निर्देश भी दिए गए। महिला के बालों को पकड़कर जबरन एम्बुलेंस में बिठाया गया। मामला संज्ञान में आने पर महिला आयोग की सदस्य कुमुद श्रीवास्तव ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही। मेरठ के थाना किठौर इलाके के किठौर कस्बे में मेन अंबेडकर मूर्ति के पास उस वक्त हड़कंप मचा जब दबंगों ने इलाके में आकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, इलाके में फायरिंग से भगदड़ भी मच गई। फायरिंग की पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कानपुर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय के छात्रों में आपस में मारपीट हो गई। दरअसल छात्रों में 3 दिन पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। कहासुनी इतनी बढ़ गई तो तब तो समझा बुझाकर छात्रों को शांत करा लिया गया, लेकिन 3 दिन बाद दोबारा फिर छात्रों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि लाठी डंडों से छात्रों में मारपीट हो गई। मारपीट में 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो सूचना पर पहुंची पुलिस पड़ताल में जुटी। गोंडा के नगर कोतवाली इलाके के तिवारी बाजार का मामला है, जहां लोगों ने बीच बाजार चोर को जमकर पीटा। दरअसल चोर इलाके में लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। वहीं चोर चोरी करते हुए सीसीटीवी में भी कैद हो गया था। कैमरे में देखकर लोगों ने चोर की पहचान कर ली और आज चोर लोगों को बाजार में मिला तो लोगों ने उसको पहले पीटा और बाद में पुलिस को सौंपा। प्रयागराज में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। बदमाशों ने शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके में सराफा व्यापारी के तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। घटना उस वक्त हुई जब व्यापारी अपनी ज्वेलरी की दुकान बंद कर घर की तरफ जा रहा था। तमंचे का डर दिखाकर बदमाशों ने ना उसे रोका, फिर तमंचे की बट से हमला करते हुए नकदी और जेवरात भी लूट कर फरार हो गए।
आगरा में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। कार में सवार दो लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन ड्राइवर की कार में ही जलकर मौत हो गई। ये पूरा मामला थाना सिकंदरा के आगरा मथुरा रोड का है। मुरादाबाद के भंगापुरा थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक घर की छत से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पड़ोसियों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पुलिस की तरफ से फायर ब्रिगेड टीम को सूचित किया गया, फिर दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रामनगर में लामा चोट खास भाखड़ा पुल के पास वन विभाग ने प्रतिबंधित गुलदार की खाल के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग प्लास्टिक के कट्टे में खाल को छुपाकर ले जा रहे थे। पकड़े गए आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। देश में धीरे धीरे गर्मी दस्तक देने लगी है, पर प्रदेश के बद्रीनाथ में अभी भी 4 से 5 फीट की बर्फ हर तरफ बिछी हुई है। रास्तों में कहीं 30 से 40 फीट के ग्लेशियर पड़े हैं, तो बाकी जगहों पर 6 से 7 फीट की मोटी बर्फ भी जमी हुई है। हालांकि बीआरओ हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ धाम तक रास्ते की बर्फ को काट काट कर मार्ग खोलने का काम कर रहा है, पर अभी भी 4 किलोमीटर का मार्ग माना तक खोलना बाकी है, जिसके चलते माना पोस्ट पर रहने वाले आईटीबीपी के जवानों को इस वक्त भारी बर्फ के चलते जरूरी सामान उठाकर अपने साथ ले जाना पड़ रहा है। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर जल्द ही अपनी आने वाली फिल्म बागी 3 एक में साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का पहला गाना 10 बहाने कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ था, जो एक रिमिक्स था। कुछ देर पहले ही इस फिल्म का एक और गाना रिलीज हो गया है, जो एक बार फिर एक पुराने गाने का ही नया वर्जन है। इस फिल्म का नया गाना भंकर से रिलीज हो गया, जो बप्पी लहरी का सुपरहिट गाना रह चुका है।